अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे जो है यूट्यूब फैमिलीज, मेरे जो है सोशल मीडियाज़ की फैमिली, आज जो मैं बात करने चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता था कि जो है ये बात करी जाए, मगर आप लोगों ने जो है मुझे मजबूर किया कि ये बात मैं करूँ आज आप लोग के सामने कि शायद मुझे जो है यूट्यूब छोड़ना पड़ जाए। YouTube छोड़ने की क्या वजूहात है, किस बिना पर मैंने ये फैसला लिया किया, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कुछ जो है टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था अपने चैनल्स पे, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है आप लोगों को भी अपडेट कर दिया जाए, जो कि मेरे YouTube फैमिलीज हैं उनको भी अपडेट कर दिया जाए कि एक वीडियो बनाने के लिए जो है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी को जो है तस्करा करने के लिए, इसी को जो है बताने के लिए मैंने आप लोग को जो है यहाँ पर मधु किया है। और अब जानेंगे कि मेरे चैनल पे जो है 700 प्लस वीडियोस अपलोड हुई हैं, जिसमें जो है 16,500 सब्सक्राइबर मिले मुझे। और कितने साल में मिले? 3 साल में मिले। मुझे शुरू से शौक था कि मैं जो है ना वीडियोग्राफी करूं, वीडियो का बनाने का मुझे बहुत शौक था, तो मैं 3 साल पहले ये चैनल क्रिएट किया। इससे पहले जो है मेरे और भी चैनल्स मौजूद थे जो कि जो है मैंने ख़त्म कर दिए थे, उस पर वक्त नहीं दे पाया था, मगर जो इस चैनल पर मैंने मेहनत करी वो दिन रात मेहनत करी। और यकीन करें मेरा जो है फुल टाइम काम नहीं है ये यूट्यूब का, मेरा पार्ट टाइम काम है। मेरा फुल टाइम जो है मेरी जॉब होती है, और जॉब के बाद मैं वीडियो बनाने जाता हूँ, वीडियो आप लोग के लिए जो है कॉन्टेंट ढूंढ के लेकर आता हूँ, मुख्तलिफ कॉन्टेंट होते हैं। और यकीन करें कराची की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैंने कॉन्टेंट ना बनाया हो, कटी पहाड़ी हो या केमाड़ी हो, सब जगह मैंने जो है कॉन्टेंट आप लोग के लिए सेलेक्ट किए और कॉन्टेंट ढूंढ ढूंढ के निकाल कर आप लोग के लिए लेकर आया। ये तो बात आप लोग ने सुन ली, अब तक आप लोग ने बात मेरी सुन ली, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने यहाँ तक मेरी बात सुन ली। और अब जो मुद्दा आप बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। देखें सपोर्ट जो चीज़ होती है ना, सपोर्ट बहुत मायने रखती है, सपोर्ट हमारे लिए। देखें आप लोग, मुझे पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे फैमिली व्यूवर्स हैं, जो कि मेरी फैमिली बने हुए हैं, मेरे फैमिली सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जो सिर्फ वीडियोस देख के आगे आगे करके चले जाते हैं, उनको मकसद नहीं पता होता कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। मुझे जो लगता है आजकल जो आप देखना चाहते हैं वो है फैमिली व्लॉगिंग, एंटरटेनमेंट, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या बना, वो किधर जा रहा है, वो किधर नहीं जा रहा, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है। लोगों को जो है ना इन चीज़ों का फिक्र हो जाती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसके घर में मालूम कर रहे हैं, मगर जो मेहनत कर रहा है, इतनी महंगी महंगी वीडियोस बना रहा है आप लोगों के लिए, महंगी से मुराद कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है ना, मतलब कि टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं तो ये समझ रहा हूँ ना यार, मैं इतनी वीडियो मेहनत कर रहा हूँ, 700 प्लस मैंने वीडियोज़ बनाई जिसमें आप देख सकते हैं कि यार इतनी वीडियोज़ मैंने बनाई और उसके बावजूद क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। और वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है मैं आपको बताता हूँ कैसे बनती है वीडियो। भाई जॉब के बाद जो है ना मैं निकलता हूँ अपनी वीडियो कंटेंट सेलेक्ट करने, कंटेंट क्या सेलेक्ट करना पड़ता है कि भाई सीजन वाइज सेलेक्ट करना पड़ता है, आजकल क्या चल रही है चीज़ें मार्केट में, उस हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के हवाले से मार्केट में क्या नई चीज़ आई है मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर वहाँ पर मैं जाता हूँ उस मार्केट में, उस एरिया में पेट्रोल जलाकर उस मार्केट में गए, उस मार्केट में मुख्तलिफ शॉप्स लोगों से बात करी, शॉप ऑनर से बात करी, शॉप ऑनर से बात करने के बाद जो है हमें क्या सिला मिलता है, क्या लोग कहते हैं वो ये है, सुन लें। माल खत्म हो गया है, हम अगले महीने के अंदर बुलाएंगे, बाद में बुलाएंगे तुम्हारे को, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे वीडियो की जरूरत नहीं, मेरे पास काम बहुत अलग है। सुन ली भाई, ये बात सुनने को मिलती है। और इसके बाद जो है सिर्फ ये बात नहीं होती, ये इतनी मेहनत, एक दिन दो दिन जो है सिर्फ कंटेंट ढूंढने में लगता है, बातचीत करने में लगती है, अगर उसमें भी 10-15 लोगों से बात करो तो एक राजी होता है, और एक राजी होने के बाद क्या होता है सिलसिला कि वो कहता है चलो भाई कल आ जाओ, कल आ जाओ, सही है कल आ जाओ, कल जाते हैं तो उसके पास जो है फिर उसके अपने नखरे होते हैं, यार थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़े से क्लाइंट बैठे हुए हैं, अभी मैं बाल बना लूँ, मैं मुंह धो लूँ, मैं ये कर लूँ, तो 15-20 मिनट आधा घंटा कभी कभी तो ऐसा होता है, एक एक दो दो घंटा जो है हमें वेट करना पड़ता है इस वीडियो के लिए, सिर्फ व्यूज़ के लिए हमें, सही है। और फिर बैठ के जब वीडियोज स्टार्ट करते हैं बनाते हैं, सही है, ये सिलसिला तो हो गया, उसमें क्या टाइम लग गया, उसमें भी जो है वेटिंग, वीडियो बना बना कर कम से कम 2 से 3 घंटे ये वीडियो बनाने में लग जाते हैं, कभी 1 भी घंटा लग जाता है। ये वीडियो बन गई, उसके बाद घर चले गए, ये तो एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है, अब आती है कहानी असल एडिटिंग अपलोड की, जो कि बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, मगर हमने 700 प्लस वीडियोज बनाई तो हमारा थोड़ा सा हाथ सेट हो गया, मगर मुश्किल होती है कहानी एडिटिंग, इतनी आसान बात नहीं होती। एडिटिंग में ये होता है कि भाई अब एडिटिंग करना स्टार्ट हुए, अब एडिटिंग स्टार्ट करते हुए एडिटिंग करते करते कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है आपको एडिटिंग करने में। उसके बाद आती है थंबनेल की बारी, थंबनेल में भाई ऐसा क्या आई कैची थंबनेल बनाए जिससे जो है लोग अट्रैक्ट हों, लोग अट्रैक्ट होके जो है हमें क्लिक करें, हमारे जो है
थंबनेल पे क्लिक करें, हमारे वीडियोस देखें, तो वो आई कैची थंबनेल बनाने के लिए कम से कम आधा एक घंटा वो लग जाता है। फिर आती है ये चीजें हो गई आपकी कंप्लीट। अब आती है आपको अपलोड की बारी। अपलोड में आप कहते हैं भाई सीधा सीधा अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पर, इतना आसान नहीं होता अपलोड करना, सही है। आपको जो है रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लिए आप क्या टाइटल ऐसा लिखें जो कि लोगों को पसंद आए टाइटल, और लोग टाइटल देख के जो है पढ़ कर उस पर क्लिक करें। तो वो टाइटल सोचने में, एसईओ करने में, फिर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, फिर मेगा टैग्स वगैरह, टैग्स वगैरह जो ऐसे क्या लिखना है जो कि रैंकिंग को ऊपर लेकर आए, हमारी वीडियो को सर्च बार में लेकर आए, ये सारी चीजें जो है करते करते इन चीजों को भी अपलोड में आधे से एक घंटा ये लग जाता है, सही है। सिर्फ इन होम बैठ के एडिटिंग, थंबनेल, अपलोड्स की ये चीजें जो मैंने आपको बहुत आसानी से बता दी और आपने बहुत आसानी से सुन ली, इसको करने करने में भी जो है ढाई से तीन घंटे, बहुत मैं कह रहा हूँ स्पीड में कर रहा है तो उसमें लग जाते हैं ढाई से तीन घंटे एडिटिंग और ये सारी चीजों में, सही है। तो एक वीडियो बनाने में हमें कम अज कम जो है 6 से 7 घंटे लगते हैं ओवरऑल, जैसे मार्केट जाना, जिसमें वीडियो बनाना, जिसमें एडिटिंग करना, ये करना, वो करना, और सिला क्या मिलता है आप लोग देखते ही नहीं है, व्यूज ही नहीं देते हैं भाई। मार्केट इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है लोग बहुत कम बनाते हैं, और आप साइड सी बात है लोग उससे फायदा उठाते हैं, यकीन करें मुझ मेरे ऐसे ऐसे जो है वीडियो जिन्होंने बनाई है मुझसे, और वो खुद कहते हैं कि भाई आपने वीडियो बनाई, उसके बाद हमें कनाडा से फोन आ गया, हमें अमेरिका से फोन आ गया, हमें यहाँ से फोन आ गया, इतना माल दे दे, इतना माल पहुँचा दे, यहाँ होम डिलीवरी कर दें, मगर क्या फायदा उनका, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है इससे, व्यूज के लिए हम जो है इस तरह की चीजें कर रहे हैं, ठीक है। मगर मैं कभी सोचता हूँ कि यार शायद मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना, ये चीजें तो 2 साल मैंने दे दिए हैं, उसके बावजूद भी जो है 16,500 सब्सक्राइबर अब तक है मेरे, तो कभी मैं सोचता हूँ यार मैं ऐसा तो नहीं मैं कोई टाइम वेस्ट कर रहा हूँ जिसमें जो है ना मुझे फायदा हो रहा है, और आप भी देख के फायदा तो ले लेते हैं कहीं ना कहीं से, मगर बैक हैंड पे जो है मुझे कोई नुकसान हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो कभी मैं ये ऐसा सोचता हूँ, मगर फिर भी जो है आप लोगों के लिए जो है मैं थोड़े से रिलैक्सेशन चाहता था, और मैं चाहता था कि यार नहीं लोगों को पता चल सके मार्केट में क्या मिल रहा है, क्या प्राइस में क्या चीज़ मिल रही है। और अब मैं ये चाहता हूँ कि देखें 2024 खत्म होने वाला है, सिर्फ 2 महीने रह गए नवंबर और दिसंबर, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई इस 2 महीने में जो है ना आप खुल के मेरी सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, और यकीन करें मैं डीमोटिवेट हो गया हूँ, मैं 1-1.5 महीने से आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे कोई वीडियोस वगैरह नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, इसी वजह से नहीं आ रही यार, एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी जो है आगे पीछे दौड़ कर रहा है, मगर आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट है ना मेन चीज होती है, सपोर्ट, एक लाइक कर रहे हैं, एक अच्छा सा जो है ना कमेंट कर लें भाई, एक अच्छा सा कमेंट भी जो है ना हमारे लिए एक मोटिवेशन का जो है ना जरिया बनता है कि यार एक और अच्छी से, इससे अच्छी हम वीडियो बना दें आप लोगों के लिए, एक और अच्छी जगह पे जो है जाकर हम वीडियो बना लें। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई 2 महीने अभी बाकी हैं, और 2 महीने में जो है ना आप मुझे इस तरह की सपोर्ट करें कि मेरे जो है 25,000 सब्सक्राइबर जो है इन 2 महीने में कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। फिर हम टारगेट जो है अगले साल का 2025 का इंशाल्लाह देखेंगे, अगर 2024 का टारगेट इंशाल्लाह कंप्लीट हुआ तो। टारगेट क्या है भाई, अभी 16,500 सब्सक्राइबर हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को अपनी फैमिली की तरह लेके चलें, अपने दोस्तों को जब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका लिंक लें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, अपने रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करें, सोशल मीडिया पे जो है लिंक लगाएं, सोशल मीडिया पे जो है मेरे चैनल्स हैं जिसमें जो है यूट्यूब पे तो आप देखते हैं, यूट्यूब के अलावा फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, यहाँ पर भी मैं अपलोड करता हूँ अपनी वीडियोज़, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ वगैरह और शेयर कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि मेरे 2 महीने में जो है इंशाल्लाह 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 25,000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम इंशाल्लाह अगर 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो फिर हम अपना चैनल आगे चलाएंगे, वरना फिर क्या होगा चैनल बंद कर देंगे भाई। अगर आप भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और अभी तक मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है तो अभी सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल्स को, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, और बेल आइकन दबा दें, ताकि इससे दबाने से क्या होगा जो भी मेरी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपको पहुंचेगी और आप जो है देख सकेंगे वो वीडियो। उम्मीद करते हैं ये मेरी बात आपको जो है समझ आ गई होगी, और बात सुनने का शुक्रिया, प्यार देने का शुक्रिया, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब किया हुआ, प्यार दिया हुआ, उन सब का जो है तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू सो मच। भाई जाते जाते यही सुनना रह गया था, चलो प्रूफ ही दिखाई देता हूँ आपको। लो भाई प्रूफ भी देख लो, इन पैसों से मैं दुबई का टूर करके आता हूँ।
देख लिया प्रूफ, मुझे पता था लोग नीचे कमेंट्स में कहेंगे कि भाई आप सिर्फ पैसों के लिए करते हो, व्यूज के लिए करते हो। भाई व्यूज के लिए करते हैं, जाहिर सी बात है, पेट पाल रहे हैं भाई। तो फिर आइए शाबान के साथ।